गोरखपुर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। आज अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर स्थानीय सीतापुर राय अस्पताल के परिसर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने रक्तदान किया। ये रक्तदान जिला चिकित्सालय के सौजन्य से किया गया था। आज के ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 40 स्वयं सेवकों ने ब्लड डोनेट किया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर ने अपने संस्था के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट सहयोग को देखते हुए सम्मानित भी किया, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, अनुपम सहाय, कीर्ति रमनदास, डॉक्टर चंद्रभूषण गुप्त अंकुर, देश दीपक को पुष्प गुच्छ एवं शाल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर ने मीडिया से बात करते हुए रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला एवं आम जनमानस से अपील की अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है। सम्मान समारोह के पश्चात डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल एवं अनुपम सहाय ने अपने रेड क्रॉस के अनुभव को साझा किया एवं सबसे अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में रेड क्रॉस से जुड़े और स्वयंसेवक के रूप में कार्य करें। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैम, एक रक्तदान की एक धारणा बनी हुई है, लोग बहुत ज्यादा डरते हैं रक्तदान करने से। जब भी ये बात होती है कि ब्लड डोनेट करना है, लोग भागते हैं, कन्नी कटाते नजर आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं आधी आबादी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, आपने ब्लड दिया है जी, आप क्या कहने जाएंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा बहुत जगह मिथ है कि साइड इफेक्ट है या स्वास्थ्य पे असर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी, मुझे तो बहुत खुशी महसूस है। कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ब्लड डोनेट, अभी एनर्जी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप स्वस्थ है शारीरिक रूप से पूरी तरह से, तो कोई दिक्कतें नहीं आती है ब्लड डोनेट करने में ऐसा। और हमारे, मुझे इस बात की सबसे अधिक खुशी है कि जो मैंने आज ब्लड डोनेट किया है वो कोई ना कोई जिंदगी बचाने के काम में आएगा, और बहुत खुशी महसूस हो रही है। पहली बार रक्तदान किया है, इसकी बहुत को, और मुझे बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की और सभी सदस्यगण की। और आज बहुत अच्छा दिन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस है, इस दिन पे मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत सबकी आभारी हूँ। और ये मेंबर के रूप में भी मैं बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज रेड क्रॉस दिवस के दिन मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। जो महिलाएं हैं और जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान के बारे में? उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर जब भी उन्हें अवसर मिले जीवन में अपने, वो जरूर रक्तदान करें, क्योंकि उनके रक्तदान से जीवन बच सकता है। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, आप कई जिंदगियां बच सकती हैं जी। और रक्तदान हर 6 महीने पे किया जा सकता है, और कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी, जितने भी इसको लेके मिथ बने हुए हैं, सब धारणाएं गलत हैं कि कुछ असर होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शिखा पांडे, आप क्या हैं रेड क्रॉस में? मैं आजीवन सदस्य हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी। जो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइए। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है और आज ही के दिन रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। इसको बहुत ही धूमधाम से गोरखपुर के द्वारा मनाया जा रहा है। आज के दिन एक तो हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं। ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं आम जनता में, जबकि यहां तक कहा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कहना है कि पूरे हिंदुस्तान की आबादी में से कम 3% लोगों को रक्तदान करना चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कि केवल 1 से 1.5% लोग ही रक्तदान करते हैं, क्योंकि रक्तदान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि जो बीमार है या रक्तदान देने से खून घट जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जिसके, जो शुगर का मरीज हो, केवल इंसुलिन अगर वह न लेता हो, वह भी रक्तदान कर सकता है, और हमारे बीच में यहाँ साथियों ने किया है। और इसके साथ ही जो कोई भी, मतलब केवल उम्र होना चाहिए 18 साल से अधिक, वजन होना चाहिए 45 साल से अधिक, सारे लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के बाद, और रक्तदान देने से कोई नुकसान नहीं है। 24 से 48 घंटे में जितना आप रक्त देते हैं उसकी पूर्ति शरीर में हो जाती है, इसलिए रक्तदान सभी को करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमोदन के अनुसार देश की आबादी के 3%, कम से कम 3% लोगों को अगर हम रक्तदान कर पाएंगे, तभी अपने देश की जनता की आवश्यकता के अनुसार रक्त की पूर्ति हम कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी युवाओं से, सभी महिलाओं से, सभी नागरिकों से कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करें। गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ कई ऐसी संस्थाएं हैं जो रक्तदान करा रही हैं और रेगुलर करा रही हैं,
उन ब्लड को भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया जा रहा होगा। तो एक बार रक्तदान करने पर कितने दिन के अंदर उस ब्लड को यूज किया जा सकता है या कितना दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? देखिए, वो तो जहाँ ब्लड बैंक बना हुआ है उसकी व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। फिर भी ये निश्चित है कि अगर हम सब लोग रक्तदान करें और हर चार महीने पर हर आदमी रक्तदान करता रहे तो बड़े आराम से जितनी भी आवश्यकता होगी रक्तदान की हम सब लोग उसकी पूर्ति कर सकेंगे। वर्तमान में हम जिला अस्पताल में रक्तदान का रक्त दे रहे हैं, वहाँ की ब्लड बैंक प्रभारी ब्लड वैन आई हुई है और वहाँ पे इसकी सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ डोनेशन भी हो जाता है, रखरखाव भी हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग रक्तदान अवश्य करें। सवाल फिर से हम दोहरा रहे हैं, कितने दिन ब्लड को रखा जा सकता है डोनेट करने के बाद? मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर ब्लड बैंक प्रभारी जी से बात किया जाए वो ज्यादा अच्छा सुझाव है। मैं ज्ञानेंद्र ओझा, रक्तदान प्रभारी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गोरखपुर। आज का जो रक्तदान कार्यक्रम है ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? आज रेड क्रॉस डे है, उसी उपलक्ष में हम लोग आज ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगाए हुए हैं। अच्छी खासी संख्या में ब्लड डोनेशन हुआ है और इसके बाद भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम लोग विकास भवन जाएंगे यहाँ से, उसमें कई शहर के लोग हैं जिन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया रेड क्रॉस को। जैसे टीबी के लिए हमने प्रोग्राम किया हुआ था, अग्नि पीड़ितों के लिए प्रोग्राम किया था, छोटे बच्चों के लिए किया हुआ है, मूक बधिर विद्यालय पे किया हुआ है। तो कई ऐसे रेड क्रॉस के लाइफ मेंबर भी हैं, जनरल मेंबर भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे योगदान दिए हैं। कई वॉलंटियर्स हैं, उनको भी वहां पे सम्मानित किया जाएगा और आगे की भी वहां पे रणनीति बनेगी। रेड ब्लड डोनेशन का अगर देखा जाए तो सीधा संबंध होता है थैलेसीमिया पेशेंट से, उसको आप किस तरह से देखते हैं, कितने यूनिट उनको जा रहा है या यहाँ जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जो ब्लड कलेक्ट किए गए हैं तो वो कहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, किस संस्था को जा रहा है, कैसे लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट? जैसे देखिए, सबसे ज्यादा हमें तो लगता है जरूरत होती है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पे जब आदमी आता है तो बहुत ही बदहवास और परेशान स्थिति में होता है, तो बहुत कम चांसेस होती है कि उसके पास डोनर रेडी लेके आता है। वो उस समय क्रिटिकल कंडीशन में भी आता है और उसके पास व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लोग आए हुए हैं यहाँ पे और उन्हीं को ये सारा ब्लड जा रहा है। लगभग कितने यूनिट हो गया होगा अभी कलेक्शन? 20 यूनिट हो चुका है और अभी भी लोग रुके हुए हैं, उनका भी हो रहा है। आपका शुभ नाम? विशाल जायसवाल, हम ट्रेजरर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी गोरखपुर। सर इधर Thank you.
निशा किन्नर और हमारे बीच में यहाँ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं हम। इसके बारे में जो मुझे जानना संगीता राय जी पश्चिमा शुक्ला जी किया है अपना और बहुत एक्टिव सर जरा आगे देख काफ़ी बड़ा योगदान रहा है ब्लड डोनेशन उसमें नॉलेज ऑप्शन में और आ जाए ताकि मकान हमारे पंकज पांडे जी हाँ शुरू की जब से आप काफ़ी वजह से प्राप्त हैं और वो भी क्या चाहिए बहुत अच्छा योगदान है जरा जोरदार तालियां पार्टी विद्यार्थी हमारे काम करते हैं और टास्क जिस गति से चल रहा है बहुत बड़ा योगदान है और उनका कोई टाइमिंग नहीं है आप 6:30 बजे से गोरखपुर में है तब तक कोई टाइमिंग नहीं है रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए लोग मुझे आज वास्तव में अपना बचपन याद आ गया जब मैं उस रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा था उस समय कक्षा 9 में मैं था और हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से स्कूल में कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे और साथ में ही एक और एसोसिएशन थी सेंट जॉन एम्बुलेंस ये दोनों एसोसिएशन के साथ साथ हम लोग जो है कुछ कार्यक्रम करते थे और विद्यालय में भी करते थे उसके बाद हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते थे उसके बाद स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल पे जाते थे तो मैं तो स्टेट लेवल तक गया हूँ इस कार्यक्रम के तहत और आप अभी बता रहे थे कि मैं नेशनल लेवल पे भी गया हूँ हमारे गुरुजी थे श्री राम रक्षा पांडे जी आज तो नहीं है लेकिन उन्होंने ही हमको जोड़ा इस संस्था से और कैसे कैसे हम लोग को कार्यक्रम करने होते हैं इसमें कुछ कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते थे कि हम कुछ छोटे छोटे नाटक करके भी उनको सिखाते थे जिसको कहते हैं कि कैसे उनको शिक्षा देना हेल्थ के बारे में कैसे बताना तो गांव के लोगों को भी कैसे बताना उसके माध्यम से भी देते थे दूसरा कैसे हम लोग को पट्टी करना सिखाया जाता था कैसे हमको ड्रेसिंग करना है कैसे चोट लग जाए तो कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है ये सब उस समय हम लोगों को सिखाया जाता था और उसकी प्रेरणा से मैं आज आर्थोपेडिक सर्जन हूँ क्योंकि मुझे उसी समय लगता था कि मुझे बनना है मैं जब समय ये कार्यक्रम हो रहा था तो मुझे लगता था कि ये ब्रांच जो है एक अच्छी ब्रांच है जो सेवा करने के लिए ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं विकलांगों की भी कर सकते हैं ट्रामा पेशेंट्स की भी कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं तो वो जो बचपन का इस सोसाइटी के थ्रू हमारे दिमाग में चढ़ा था वो क्या लेकिन मैं बहुत दिनों से उसके बाद मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ नहीं पाया चाहे गोरखपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत एक्टिव नहीं रही चाहे जैसे भी लगता था नाम आता था रेड क्रॉस को वो अप्रोच भी नहीं किया मुझे लगता है कि अगर आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है तो ये हर डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में डॉक्टर
पैरामेडिकल और समाज सेवी सभी लोगों की आवश्यकता है। जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हेल्थ से रिलेटेड सारे काम आपको करने हैं, लेकिन पैरामेडिकल साथ में चाहिए और साथ में सोशल वर्कर चाहिए, क्योंकि हमको प्रमोट करना है हेल्थ के लिए, कैसे कैसे हेल्थ के लिए कार्यक्रम होना। तो जब तक आप हेल्थ के अवेयर सभापति महोदय, हमारे छोटे भाई शिविर जी, शाही जी एवं इस सभागार में उपस्थित सेवा और भाव से जुड़े समस्त रेड क्रॉस से संबंधित हमारे सदस्य भाइयों एवं मार्गदर्शकों, जो अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने, कुछ मेरी भी ऐसी ही मिलती जुलती इतिहास रही है कि उस रेड क्रॉस से सीख करके अपने दिल में कोई चीज़ ऐसी पैदा हुई हो कि आगे चल के करें। जब अभी सिंह साहब ने कहा तलाशने के लिए, तो नेचुरली आदमी अपने के बीच में ही तलाशता है, तो आप भी रेड क्रॉस के कैप्टन रहे हमारे स्कूल में, आपको मैंने पकड़ा। इनके बाद के रेड क्रॉस के जो कैप्टन थे, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, श्री इंद्रदेव द्विवेदी जी, जो सीडीओ के रिटायर हुए, सीडीओ या मेरे ख्याल सीनियर पीसीएससी थे, तो वो बड़ा अफसोस कर रहे थे कि अनुपम हम लखनऊ में हैं, लेकिन हम तुम ऐसा नाम ले लिए हो रेड क्रॉस का कि हम आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे सबसे। उसके बाद का फिर कई वर्षों तक कैप्टन मैं रहा, तो हम लोगों का जो एसोसिएशन था, जैसा भैया ने बताया कि तमाम कॉम्पिटिशन उसमें होते थे, और आगे की बात तो छोड़ दीजिए, उस बीच जो हम लोग को स्टेज मिला नुक्कड़ नाटक करके कि कोई घायल है उसको कैसे बचाना है, कैसे उपचार करना है, उसका फायदा हमको आगे जाके बहुत मिला, क्योंकि मैं रेडियो और दूरदर्शन दोनों से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हुआ, दोनों का मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हुआ, सीरियल में भी काम किया, वो सारी चीज़ें अलग है, लेकिन दिल में जो एक सेवा की भाव डेवलप हुई, ठीक है मैं डॉक्टर नहीं बन पाया किसी कारण से, सिक्योरिटी में असफल रहा, लेकिन मैं बैंकिंग सर्विसेज में गया और वहाँ पर मैंने भरपूर अपने दिल से सेवा किया, जिस किसी से भी मिला। उसके बाद जब दौर शुरू हुआ तमाम एसोसिएशन का, जैसे इस समय कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 और उससे ज़्यादा ही गोरखपुर में एसोसिएशन होंगी, जिसमें हम ऑफिस बियर होंगे या मेम्बर होंगे, जैसे आपके रोटरी क्लब और गोरखपुर मिड टाउन में मैं नेक्स्ट सेक्रेटरी हूँ, भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट हूँ, फिल्म फाउंडेशन ट्रस्ट का और इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आपके पंजाब नेशनल बैंक रिटायरेंस फेडरेशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, सारे बैंकों के रिटायरेंस फेडरेशन का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, ऐसे तमाम संस्थाएँ गिनती नहीं मिल रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें पैदा हुई उसके मूल में जो था वो सिर्फ और सिर्फ रेड क्रॉस था। वहाँ से जो हम लोग के दिलों में जो चीज़ आई वो आगे जाकर फिर डेवलप हुई, और वाकई आपकी जो पूरी टीम है वो सालुवार की बात है कि उन्होंने हम लोगों को याद किया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सुप्तावस्था में थे, आप लोग तो मान लीजिए नहीं आ पाए, लेकिन मैं 1990 में भी कोर्स करके आया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको लिया, हमको शील्ड भी दिया गया था, वो शील्ड इसकी राय भागी, वो शील्ड हमको डीएम के द्वारा यहाँ मिला था रेड क्रॉस सोसाइटी से, वो मेरे पास है। एक अंदर से जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपने बताया स्टेट तक गए, हम लोग स्टेट पे तो हर बार ही पहुँचते हर साल, इतना हम लोग डिवोटेड थे, हमारे कॉम्पिटिटर भी बैठे हैं कीर्ति रमन दास ये, और ये देश दीपक, ये लोग जुबली स्कूल से थे, हम लोग बी ए भी गए थे, तीन लोग गोरखपुर में, दो के अलावा तीसरा स्कूल का भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता गर्ल्स में, तो फॉर्मल आई डी थी, और स्टेट के बाद ऑल इंडिया में एक मौका आया कि पूरे प्रदेश से 4 लड़के और 4 लड़कियां कश्मीर में हुआ था, और हम लोग टेंट में रहे थे, भाग से उस 4 में से 2 आपके सामने बैठे हुए, सौभाग्य ये मैं क्योंकि सीनियर था तो आई वॉज कैप्टन, और वहां पे भी हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज विन किया था। तो ऑल इंडिया में जो हम लोगों ने देखा सारे स्टेट्स की जो उनकी एक्टिविटी है, हम लोग किसी मायने में कम नहीं है, जो अभी सिंह साहब ने बताया या हमारे भाई साहब अनुपम साहब ने बताया कि वी आर नॉट इन शॉर्ट ऑफ मनी,
हमारी दिली ख्वाहिश होनी चाहिए सेवा करने की। हम अगर आगे आएंगे, अगर हमारे में कोई चाहत होगी कि हम उसका, हेनरी ड्यूमन क्यों किया था, उसने 56-57 में देखा था इतने परेशान है लोग, उसके मन में आया कि मैं कुछ करूं, ये क्वेश्चन हमें उस पूछा जाता था भाई और मेरे, फिर जाकर के वो 6-7 साल बाद रेड क्रॉस का उसने किया। अभी चंदूषा से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा कि जब वॉर होता है तो हम लोग की क्या स्थिति होती है, तो इन्होंने बताया कि नहीं नहीं वॉर में हम लोग के लिए अलग कॉरिडोर दिया जाएगा सेवा के लिए। सोचिए आप सभी लोग किस संस्था के सदस्य हैं, कोई भी आपके शहर में आपदा आएगा, यू विल बी फ्री, आप कैप अपना टी शर्ट और वो लगा कर आई कार्ड लगा के जाएंगे तो आपको कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि आप जाएंगे सिर्फ सेवा करने। कहीं भी वॉर हो रही है आप जाएंगे, क्योंकि आपको बचाना है। इस समय बिल्कुल मुझको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं ये आया था कि कपड़े पर खून से ये बना था रेड क्रॉस टाइप का, वहीं से रेड क्रॉस निकल करके आया हुआ था। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर उनके दिल में कहीं भी सेवा की भाव है तभी बैठे हैं, नंबर वन। मैं तो जब चौरी चौरा में ब्रांच खोला तो हमारे जायसवाल जी वहाँ पर थी, इनको मैं तभी से देख रहा हूँ। मैं जब